नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना बेकन, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, गाजियाबाद। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर की, PCOS। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अनियमित महावारी, वेट गेन, हिर्सुटिज्म, एक्ने और थोड़ा सा स्किन पिगमेंटेशन। आखिर PCOS हमें होता क्यों है? इसकी बहुत साधारण सी वजह है हमारे यहाँ वेट गेन होना, हार्मोन इम्बैलेंस होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, कुछ जेनेटिक्स। PCOS हालांकि बहुत मुश्किल समस्या लगती है, लेकिन ये क्योरेबल भी है। इसका वक्त पे इलाज ज़रूर कराएं, क्योंकि यदि ये लॉन्ग वर्क टाइम तक रहती है और इसको इलाज ना कराएं, तो आपको आगे चल के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ में यंग एज में ये इनफर्टिलिटी को भी बढ़ावा देता है, इसलिए वक्त पे अपने डॉक्टर के पास जाएं। आपके डॉक्टर आखिर क्या करेंगे? वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे और अल्ट्रासाउंड कराएंगे। ब्लड टेस्ट में हम देखते हैं कि आपके हार्मोन बैलेंस कैसा है, यानी कि एंड्रोजन लेवल्स बढ़े हुए हैं कि नहीं बढ़े हुए। साथ में कुछ और चीज़ें भी। हर पेशेंट को सिमिलर समस्याएं नहीं होती, इसलिए आप स्वयं की डायग्नोसिस ना करें। PCOS इतना मुश्किल भी नहीं है। घर पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप PCOS से बच सकें, जैसे कि उचित खानपान, बैलेंस डाइट हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, यानी कि सेडेंट्री ना हो, आप एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज़ अवश्य करें, एनुअल हेल्थ चेक अवश्य कराते रहें ताकि वक्त से पहले भी चीज़ें पकड़ी जा सकें। धन्यवाद।